पेंशन कर्मचारी महासंघ हिमाचल प्रदेश ने पुरानी पेंशन बहाली को लेकर अंबेडकर चौक चौड़ा मैदान पर धरना प्रदर्शन किया। महासंघ ने 6 मार्च को बजट में ओल्ड पेंशन को बहाल करने की मांग की है। पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाती तो महासंघ ने क्रमिक अनशन कर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। देखिए, ये आज हमारा एक सांकेतिक पेंशन व्रत है। हम सरकार से चाह रहे हैं, हम सरकार से प्रार्थना कर रहे हैं, हम शांतिपूर्ण तरीके से अपना पेंशन व्रत कर रहे हैं। आप हमारी मांग पूरी करें, हमें उम्मीद है सरकार हमारी मांग जो है इस बजट सत्र में पूरी करेगी। एक ही मांग, एक ही नारा, पेंशन हक हमारा। एक ही मांग, एक ही नारा, पेंशन हक हमारा। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कर्मचारी एकता जिंदाबाद। न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने कहा कि संघ को उम्मीद है कि 6 मार्च को पेश होने वाले बजट में सरकार उनकी मांग को पूरी करेगी। संघ पिछले 5 सालों से पुरानी पेंशन की बहाली के लिए सरकार से मांग कर रहा है, लेकिन अभी तक सरकार नहीं जागी है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार 6 मार्च को पेश होने वाले बजट में पुरानी पेंशन की बहाली नहीं करती है तो कर्मचारी महासंघ 7 मार्च से शिमला में क्रमिक अनशन पर बैठ जाएगा, जो पूरे सत्र के लिए जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि पूरे सत्र के दौरान पुरानी पेंशन को बहाल नहीं किया जाता तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। मैं प्रदीप ठाकुर, अध्यक्ष नई पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ हिमाचल प्रदेश। हमारी मांग सिर्फ एक ही है, पुरानी पेंशन बहाली, जिसके लिए हम लगातार पिछले 5-7 वर्षों से प्रयास कर रहे हैं। सरकार के समक्ष हमने अपनी मांग को बार बार रखा है, लेकिन सरकार जानबूझकर ना समझ बनकर बैठी है। हमें उम्मीद है इस तरह के हम शांतिपूर्ण जो हमने आज पेंशन व्रत रखा है, इससे सरकार तक जरूर एक संदेश जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप भी हमारी बात पहुँचाएं और सरकार से भी निवेदन करते हैं कि वो हमारी मांग को पूरा करें। देखिए, ये आज हमारा एक सांकेतिक पेंशन व्रत है। हम सरकार से चाह रहे हैं, हम सरकार से प्रार्थना कर रहे हैं, हम शांतिपूर्ण तरीके से अपना पेंशन व्रत कर रहे हैं। आप हमारी मांग पूरी करें, हमें उम्मीद है सरकार हमारी मांग जो है इस बजट सत्र में पूरी करेगी और 6 मार्च को अपने बजट सत्र में कर्मचारियों के लिए पेंशन बहाली के रूप में तोहफा देगी। अगर सरकार 6 मार्च को हमारी मांग पूरी नहीं करती तो 7 मार्च से शिमला में ही कर्मचारी क्रमिक अनशन पर बैठने वाले हैं। ये क्रमिक अनशन तब तक जारी रहेगा जब तक ये बजट सत्र रहेगा। अगर इस बजट सत्र के पूरे बजट सत्र के दौरान भी सरकार की तरफ से कोई ठोस कदम, ये कर्मचारियों के हित में कोई कदम नहीं उठाया जाता तो बहुत उसके बाद जो है ये संघर्ष और तेज होने वाला है। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीड टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए द रीड टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।